और उसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस 1 kg, 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर, जीरा 1 teaspoon, मिर्चें 2 अदद, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, 1 अदद लीमू और हमने इसे काट के 2 स्लाइस में कर लिया है, कटा हुआ हरा धनिया 4 tablespoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, नमक 1 teaspoon, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 tablespoon चाहिए होगा। ये बहुत ही मजेदार बॉडी है और झटपट से तैयार हो जाती है। एक तवा लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे 4 tablespoon ऑयल, शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको कर लेते हैं फ्राई। इसके अंदर शामिल करते हैं चिकन बॉडी, हम कलर चेंज होने तक पका लेंगे। चिकन का रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब आ रही है मसालों की, तो हम शामिल करते हैं इसमें धनिया पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, मोटी कुटी लाल मिर्च, जीरा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम शामिल करते हैं लेमन जूस, हरा धनिया, हरी मिर्च, आखिर में जाएगा टमाटर, और इसे हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त रंग आया है। अब इसके अंदर पानी मौजूद है और इस नमी को खत्म करने के लिए हम चिले की आंच को तेज कर देंगे और फिर इसकी बुनाई करेंगे। कटा हुआ सब्ज धनिया, कटी हुई सब्ज मिर्च, एक साइड पे हमारा जाएगा प्याज, हमारी है लेमन स्लाइस की, मजेदार चिकन तवा बोटी बिल्कुल रेडी है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपकी पोटैटो बाइट्स, और उसके लिए हमने ली है 3 अदद आलू, उबले हुए आलू हैं, इनको अच्छे से हमने मैश कर लिया है, नमक 1 teaspoon, लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon, कुछ धनिया 2 tablespoon, काली मिर्च पाउडर 1 teaspoon, चैटर चीज 1 tablespoon, स्वीट जीरा 1 tablespoon, चिकन पाउडर 1 teaspoon, यहाँ हमने ली है ब्रेड स्लाइस हैं, इनको हम 1/2 cup दूध में भिगो के रख देंगे। ये 2 से 3 अदद स्लाइस हमने ले लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धनिया और जीरा को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पाउडर बना लें। ब्रेड स्लाइस के ऊपर 1/2 cup दूध डाल के छोड़ देंगे। मसाला भी हमने पीस लिया है। क्रॉकर के अंदर ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर लें। एक बाउल के अंदर हम आलू डाल देंगे, इसके अंदर शामिल होगा चिकन पाउडर, पिसा हुआ मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, इसको हम हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अब आ रही है ब्रेड की। ब्रेड को हमने पहले ही दूध में भगो के रख दिया था, उसको अच्छी तरह मैश कर लेते हैं। इस तरह जब हम आलू में से शामिल करेंगे तो ये अच्छे से मिक्सचर आलू के मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा। ब्रेड मिक्सचर को आलू के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर दें और हाथ से अच्छी तरह इसको गूंद लें ताकि अच्छे से ये मिक्स होकर तैयार हो जाए। ये बिल्कुल हो चुका है, इसे साइड पे रख देते हैं। एक बाउल के अंदर हमने एक कप मैदा डाल दिया है, उसके अंदर हम डालेंगे, इसके अंदर शामिल होगा 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 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 1/2
बॉल्स तैयार कर ली हैं, साइड पे रख देते हैं। इन बॉल्स को मैदे के अंदर हम रोल कर लेंगे अच्छे से। और वापस प्लेट में रख देंगे। मैदे की कोटिंग हो चुकी है, इसे साइड पे रख देते हैं। इसी मिक्सचर के अंदर जिसमें हमने अभी बॉल्स रोल किए थे, हाफ कप के करीब पानी डालेंगे और पतला सा मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। एक एक बॉल को हम मिक्सचर के अंदर डुबो के ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देंगे। एक प्रॉपर हमारा बॉल तैयार हो चुका है, इसको प्लेट पे निकाल दें। पोटैटो बॉल्स के ऊपर मैदे की और ब्रेड की कोटिंग हो चुकी है, इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तेल गर्म हो चुका है और इसके अंदर ये बॉल डाल देते हैं। की साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। खरबूजे का शरबत, और उसके लिए हमें चाहिए एक अदद खरबूजा। इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं। इसके बीज अलग कर लेंगे। इनके पीसेस कर लें। अब इनके छिलकों को रिमूव करते हैं। खरबूजा हमारा कट के आ चुका है, इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के हम
बारीक पेस्ट बना लेते हैं। पीसेस को हमने जग में डाल दिया है। हाफ कप दूध शामिल करेंगे। अब बारी है कस्टर्ड की। कस्टर्ड की तैयारी के लिए हमने रखा है 1 लीटर दूध और उसमें हाफ कप चीनी ऐड की है और उबलने के लिए छोड़ दिया है। कस्टर्ड लिया है 4 टेबलस्पून, हाफ कप दूध के अंदर मिक्स करते हैं और इसे उबलते हुए दूध में शामिल करके अच्छे से पका लेते हैं और गाढ़ा होने तक हम इसे चम्मच हिला के पकाते रहेंगे। बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। चूल्हा बंद कर दें, आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें और अच्छे से ठंडा कर लें। स्टेप 3, कस्टर्ड को हमने फ्रिज में से बाहर निकाल दिया। करते हैं 1 कप दूध और अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। फिर खरबूजे का शरबत जो हमने पेस्ट बनाया था उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। हम जग के अंदर और इसमें हमने पहले से ही तुख मलंगा जो पानी में भिगोया हुआ था वो इसमें डाल दिया है। गर्मियों के लिए बेहतरीन शरबत है, बहुत ही मजेदार बन के तैयार होता है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून पिसे हुए बादाम, मोटे कटे हुए समझ लें बादाम है, और इसे इसका टेस्ट जो है बहुत ही उम्दा हो जाएगा। साथ ही शामिल करेंगे रोज पेटल्स। खरबूजे का शरबत बिल्कुल रेडी है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 किलो आलू उबाल लिए हैं। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, एक दरमियाने साइज का प्याज काट लिया है, टमाटर केचप 1/2 कप, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, सब्ज मिर्च 2 अदद, 2 अदद अंडे। चलें स्टार्ट करते हैं। सब्ज मिर्च को अच्छे से हम पीस लेते हैं। आलूओं को अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये बिल्कुल हो चुके हैं। इसके अंदर शामिल होगी सब्ज मिर्च कुटी हुई, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चिकन पाउडर, और इसे अच्छे से हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। दस मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं। हाथों पे अच्छे से पानी लगाते हैं और इसकी टिक्की बना लेते हैं। इस तरह हम टिक्की बना लेंगे। टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी है। अब फ्राई करने की तैयारी करते हैं। उसके लिए हमने लिए अंडे 2 अदद, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। आई भरी टिक्की को हम अंडे में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। ये ब्राउन हो चुके, अब साइड चेंज कर लेते हैं। दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन होने तक पका लेंगे। ये बिल्कुल हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं।
कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसी तेल के अंदर हम नान को फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन कर लेते हैं। और डिश आउट कर लें। आलू टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, नान हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। नीचे रखते हैं हम एक अच्छा सा पेपर और उसके ऊपर जाएगा हमारा नान। टिक्की को अच्छे से हम इसके ऊपर फैला देते हैं। और अब जाएगी दूसरी टिक्की। और इसके ऊपर जाएगी ग्रीन चटनी। साथ ही इसके ऊपर जाएगी केचप। एंड में जाएगा प्याज। और इसको हम अच्छे से रोल कर लेते हैं। आज की हमारी नान टिक्की बिल्कुल रेडी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नान टिक्की हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। नान है बिस्किट एंड कॉफी ट्रफल और उसके लिए हमने लिया है व्हिपिंग क्रीम 1 कप, बिस्किट 2 बड़े पैक, 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 3 टेबलस्पून कॉफी और शामिल होगा गरम पानी 1 कप। चलें स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप उबले हुए पानी में हम शामिल करेंगे कॉफी और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इस कॉफी को हम बड़े बाउल में डाल देते हैं। और इसे साइड पे रख देते हैं। हम बिस्किट को बारी बारी कॉफी में डुबोएंगे और इसको डिश में रखते जाएंगे। बिस्किट हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं, इसे हम डीप फ्रीजर में तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे। व्हिपिंग क्रीम के अंदर हम 1/2 टीस्पून कॉफी शामिल करेंगे और अच्छे से इसको व्हिप कर लेते हैं। शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी दोबारा से व्हिप कर। क्रीम बिल्कुल व्हिप हो चुकी है, इसे पाइपिंग बैग में भर देते हैं। फ्रीजर से बिस्किट बाहर आ चुके हैं, इसके ऊपर हम क्रीम लगा देते हैं। इसको अच्छे से फैला देते हैं।
दूसरी लेयर के लिए हमने कॉफ़ी बिस्किट लिए हैं, जिसको भी कॉफ़ी के अंदर डिप करके डिश के अंदर हम रखते जाएंगे। दस मिनट के लिए हम डीप फ्रीजर में अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से डाल देते हैं। और फिर सही तरीके से इसको चारों तरफ हम फैला लेंगे। बिस्किट के चूरे को हम साइडों पे लगा देंगे। कैरामेल की मदद से हम हल्के से डिजाइन डाल देंगे। इसके दरमियान हम एक फ्लावर बनाते हैं। और इसके अंदर हम रख देंगे एक बिस्किट। मजेदार हमारा बिस्किट एंड कॉफी ट्रफल बिल्कुल रेडी है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चिकन का कीमा 1 कप, चीज 5 टेबल स्पून, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 5 अदद उबले हुए आलू, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। चलें स्टार्ट करते हैं। आलू को बारी बारी मैश कर लेते हैं। ये अच्छे से मैश हो चुका है। इसके अंदर शामिल करते हैं चिकन का कीमा। लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चिकन पाउडर, धनिया पाउडर और आखिर में शामिल होगा नमक और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसको अच्छे से हम हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। शामिल करते हैं चीज, इसको हमने अच्छे से पीसेस कर लिए हैं। दोबारा से मिक्स करते हैं। छोटे छोटे हम बॉल बना लेते हैं और डॉम स्टिक को इसके अंदर रख के स्टिक्स को चिकन की लेग पीस को इसके अंदर रख के अच्छे से दबा लेते हैं। इस तरह की हमने एक डॉम स्टिक की शक्ल तैयार कर लेनी है और इसे डिश में रखते जाएं। सारी हमारी लेग पीस अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। अब इनको करते हैं फ्राई।
यहाँ हमने लिए 2 अदद अंडे। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है। इस डम शेक को हम अंडे के अंदर अच्छे से डिप करते हैं और तेल में रखते जाते हैं। एक साइड से गोल्डन हो चुकी है, साइड चेंज कर देते हैं। एक से 2 मिनट तक हम इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। ये बिल्कुल हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। ये ड्रमस्टिक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बाकी के भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और बारी बारी उन्हें भी गोल्डन होने तक ऑयल के अंदर पका लेंगे। ड्रमस्टिक हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ हमने लिए अनियन, हमने यहाँ फॉइल लिया है, इसको हम साइड से ऐसे करके इसके किनारों को अच्छे से दबा लेंगे। सब सारे ड्रमस्टिक हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं। ये ड्रमस्टिक बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इसके ऊपर हम डाल देते हैं पुदीने के पत्ते, आप सब प्याज भी डाल सकते हैं। बहुत ही मजेदार चीजी चिकन ड्रमस्टिक बिल्कुल रेडी है। आप आ रहे हैं चिकन चिली विद फ्राइड राइस, और राइस के लिए, फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए 2 कप चावल, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, हॉट सॉस 3 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चीनी 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून। चलें स्टार्ट करते हैं। पानी हमने लिया है 1 लीटर और उसमें 1 टीस्पून नमक डाल के उबाल लिया है। चावल को अच्छी तरह धोकर इसमें शामिल करते हैं। चावल बिल्कुल धुल चुके हैं और हमने छन्नी में डाल दिए हैं ताकि इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। चावलों को हम अच्छे से उबाल लेंगे। चावल उबल चुके हैं, हमने छन्नी में डाल दिए हैं। अब चलते हैं चिकन की तैयारी की तरफ। चिकन लिया है 1/2 kg बोनलेस। हमने लिया है 1 अदद बाउल है चिकन को। इसके अंदर जाएगा 1 अदद अंडा, 1 नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, व्हाइट मिर्च, बाकी जाएगा कॉर्नफ्लोर, हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
और 20 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है, चिकन की बोटियों को हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन को हम गोल्डन होने तक अच्छे से पका लेंगे ताकि अंदर तक ये पक जाए। स्टेप 3, यहाँ हमने पैन के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, हल्का सा फ्राई करना है, साथ ही जाएगी हरी मिर्च, साथ जाएंगे फ्राइड चिकन, इसे हम फ्राई करेंगे। इसके अंदर शामिल होगा चिली गार्लिक सॉस 4 टेबलस्पून, हॉट सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, तो अच्छे से हम मिक्स करते हैं। साथ ही शामिल होगा 3 टेबलस्पून पानी, दरमियानी आंच पर हम इसे तकरीबन एक मिनट तक पका लेंगे। ये बिल्कुल हो चुका है, अच्छे से हम मिक्स करते हैं और ऊपर इसके हरा धनिया छिड़क देते हैं। इसे साइड पे रख देते हैं। एक बड़े पैन के अंदर हम शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून ऑयल, इसके अंदर जाएंगे 3 अदद अंडे, हम अच्छे से पका लेंगे। चूल्हे की आंच तेज कर देते हैं। अंडे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, इनको डिश आउट करते हैं। इसी पैन के अंदर हम सब्जियों को फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं, 1 कप लिया है बंद गोभी, 1 कप फ्राई होने के लिए रख दें हल्की आंच पे। गोभी हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अब इसमें शामिल करते हैं शिमला मिर्च, 1 अदद शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया था। साथ ही जाएगी उबली हुई गाजर, एक मिनट तक हम फ्राई करेंगे। सब्जियां हमारी फ्राई हो चुकी हैं, इसके अंदर हम शामिल करते हैं अपने एग।
के आंच को हल्का कर देते हैं और इसको अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर चाहिए की काली मिर्च 1 टीस्पून, नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, चीनी 1/2 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर चाय का सब्ज प्याज 1/2 कप के करीब दोबारा से मिक्स करें। फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, डिश आउट करते हैं। एक डिश के अंदर हम चावल हंडेल देते हैं। चावल को हमने डाला एक बाउल के अंदर और इसको आराम से स्मूथली इसके ऊपर रख देते हैं। इसमें जाएगा चिकन चिली, ऊपर हम इसके छिड़क देंगे सब्ज मिर्च, बहुत ही मजेदार चिकन चिली विद फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।